हेलो एवरीवन, हमारी तीन ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ईच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो आपका है सिटजेफ रूल। तो ये जैसे हम देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों ही आपका एल्काइल हेलाइड में से रिमूव होता है। तो इसमें जैसे आपका एग्जांपल ले लें CH3 CH2 Cl 1 क्लोरो प्रोपेन। जब इसको हम एल्कोहलिक KOH में रिएक्शन कराएं तो आपका ये अल्फा कार्बन से क्लोरीन रिमूव होगा और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव होता है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2 प्रोपीन, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें व्हेन ओनली वन बीटा कार्बन, जब यहाँ पर केवल एक ही बीटा कार्बन है, इसके बाद वाला कार्बन आपका गामा कार्बन होगा, तो ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है। अगर एक ही बीटा कार्बन है तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो दूसरा कैसे हो सकता है, व्हेन देयर इज मोर देन वन बीटा कार्बन, जब आपका एक से अधिक बीटा कार्बन हो। जैसे हम एग्जांपल ले लें, यहाँ पर एग्जांपल एग्जांपल CH3CH Br CH2CH3 टू ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये एल्काइल हैलाइड है, इसको जब हम रिएक्शन करें एल्कोहलिक KOH में तो आपका ये अल्फा कार्बन हो गया। तो हम यहाँ देख रहे हैं आपका ये अल्फा कार्बन जहाँ पर हेलोजन ग्रुप लगा है, ये वाला कार्बन भी इसके लिए बीटा कार्बन है और ये कार्बन भी आपका बीटा कार्बन है। मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन इस कार्बन से भी रिमूव हो सकता है और इस कार्बन से भी रिमूव हो सकता है। तो अगर हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव हो तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा आपको वो देख लेते हैं, CH2CH CH2CH3 वन ब्यूटीन। दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो और अल्फा कार्बन से ब्रोमीन, तब जो प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3CH CH CH3 टू ब्यूटीन। तो हम यहाँ देख रहे हैं आपका कि एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराने पर आपका अगर दो बीटा कार्बन है तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट आपका माइनर होगा, इसके लिए ही आपका सिटजेफ रूल दिया हुआ है। सिटजेफ रूल के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिटजेफ रूल व्हेन डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड प्रोड्यूसेस मोर देन वन प्रोडक्ट देन
देन हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन और एल्कीन विथ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन विल बी मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका शिर्ज़ाफ रूल ये कहता है कि जब आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्काइल हैलाइड का किया जाए उसमें एक से अधिक प्रोडक्ट बन रहे हो तो हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो या एल्कीन जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो वही मेजर प्रोडक्ट होगा। हम इसमें पहले स्ट्रक्चर में बात करें तो ये आपका एल्कीन हो गया। एल्कीन के यहाँ पर इस तरफ कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसी तरफ आपका इथाइल सब्स्टिट्यूशन है। और इस एल्कीन की बात करें तो यहाँ पर आपका इधर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, इधर भी मिथाइल ग्रुप, मतलब ये आपका यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर केवल एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन है। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों तरफ सब्स्टिट्यूशन है और इस कंपाउंड में केवल एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन है। और अल्फा हाइड्रोजन की बात करें, अगर अल्फा हाइड्रोजन तो इस एल्कीन के बाद वाला कार्बन आपका अल्फा कार्बन होता है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये भी आपका अल्फा कार्बन है, तो दोनों का हाइड्रोजन अगर ऐड करें तो इसमें आपका 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। और यहाँ पर आपका देखें तो ये वाला कार्बन आपका अल्फा और ये कार्बन आपका बीटा, तो यहाँ पर केवल ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये दोनों ही रूल में आपका शिर्ज़ाफ रूल अगर लगाया जाए तो दोनों में आपका ये प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका ये प्रोडक्ट जो होगा आपका माइनर माइनर प्रोडक्ट। मींस आपका अल्कोहलिक केवच में अगर ये रिएक्शन कराई जाए तो 80% आपका ये बनेगा और 20% आपका 1-butene बनेगा। तो यही आपका शिर्ज़ाफ रूल है जो कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन एल्काइल हैलाइड का किया जाए तो उसमें अगर एक से अधिक बीटा कार्बन हो, ये इस केस में केवल एक ही बीटा कार्बन है तो केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा प्रोपीन। लेकिन अगर ये केस देखा जाए इसमें आपका 2 बीटा कार्बन है तो इसमें 2 एल्कीन बन सकते हैं। 2 एल्कीन में जो मेजर वो प्रोडक्ट होगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगा या फिर उसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। इस केस में आपका एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन है CH2CH3, इस केस में देखा जाए तो दोनों तरफ एक एक सब्स्टिट्यूशन है, या फिर अल्फा हाइड्रोजन के केस में लिया जाए तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें अल्फा में 2 हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आपका ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये आपका कंप्लीट है शिर्ज़ाफ रूल। थैंक यू।